आप सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की क्लास में जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने गुप्त कालखंड को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हमें जिनको पढ़ना है उसमें वह है पहला कि इनके स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, तथा दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना मूर्तिकला एवं चित्रकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला, चित्रकला, तथा तीसरा महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा उनके लेखक, महत्वपूर्ण पुस्तक तथा उनके लेखक, उनके लेखक, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में। तो पहला है स्थापत्य कला, ठीक है, जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है वो पहला है स्थापत्य कला। गुप्तकालीन स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण गुप्त काल से ही पूरी तरह से प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं मंदिर के, तो मंदिर का निर्माण उसी समय से प्रारंभ हुआ, गुप्त काल से ही। ठीक है, यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण की कला, मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल से प्रारंभ हुई, यानी कि गुप्त काल की ये क्या है, देन है, जो सारे के सारे मंदिर पूरी तरह से निर्माण होते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को यह मंदिर पूरी तरह से समर्पित है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, यह मंदिर पहली बार ऐसा बना कि भारत में किसी भी शिखर का पहली बार निर्माण हुआ था, यानी कि इस मंदिर में क्या था, शिखर, जिसे गुंबद कहा जाता है, शिखर या गुंबद, ठीक है, गुंबद बोलते हैं, उसका सबसे पहली बार निर्माण इस भगवान विष्णु के दशावतार मंदिर के अंतर्गत देखा गया था। ठीक है, दूसरा है गुहा मंदिर, गुहा मंदिर, गुहा मंदिर, यह मंदिर महात्मा बुद्ध से संबंधित है, किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से यह मंदिर पूरी तरह से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम बौद्ध गुहा मंदिर कहा जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, बौद्ध गुहा मंदिर, बौद्ध गुहा मंदिर इसे कहा जाता है। ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर अगला है, तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का
विष्णु मंदिर, यह आपके जबलपुर मध्य प्रदेश दो जगह स्थित है, यानी कि यह जो है जबलपुर तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यह दो जगह स्थित है। ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, इसके आगे है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। अगला है, इसी में भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, यह भी एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में पूरी तरह से स्थित है। उसके बाद अगला है भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर यह पहला ऐसा मंदिर है जो ईंटों से बना, जिसका निर्माण ईंटों द्वारा किया गया, यानी कि ईंटों द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से किया गया। ठीक है, उदयगिरी का विष्णु मंदिर यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। अगला है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह भी ईंटों द्वारा निर्मित किया गया मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला सारनाथ का धमेख स्तूप, यह भी ईंटों द्वारा ही निर्मित है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ है? ईंटों द्वारा निर्मित तथा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो ये गुप्त काल के स्थापत्य कला के कुछ मंदिर थे जो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ जितने भी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो पीसीएस आईएस लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो आप लोगों को यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस के रूप में मिल जाएंगे। यूपीएससी के भी एग्जाम में मैच करेंगे और पीसीएस के भी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, अगला है मूर्ति कला एवं चित्रकला। ठीक है, ये स्थापत्य कला की बात हम लोगों ने कर ली गुप्त काल की, अब मूर्ति कला तथा स्थापत्य कला की बात करते हैं। इसको मिटा दें फिर, मूर्ति कला तथा स्थापत्य कला, ना
मूर्ति कला तथा चित्र कला। चित्र कला, मूर्ति कला तथा चित्र कला, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं पहला, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें सबसे पहले मूर्ति कला के अगर हम केंद्र की बात करते हैं, यानी कि मूर्ति कला का केंद्र, तो तत्काल के समय में मथुरा तथा सारनाथ में मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती थी। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें मथुरा तथा सारनाथ, मथुरा तथा सारनाथ, ठीक है, मथुरा तथा सारनाथ में यह बनाई जाती है, ठीक है। गंगा और यमुना की मूर्ति गुप्त काल में ही बनाई गई, गंगा तथा यमुना की मूर्ति मूर्ति गुप्त काल की ही देन है, यानी कि गुप्त काल में ही इसको पूरी तरह से बना करके तैयार किया गया, ठीक है। गुप्त काल में अगर चित्रों के अवशेष की बात करते हैं, यानी कि चित्र की, तो बाघ की गुफा, इस बाघ की गुफाओं में 29 गुफाएं हैं, इनकी संख्या कितनी है, 29, जिनमें से इन्हें विश्व धरोहर सूची, यानी कि यूनेस्को में इन्हें विश्व धरोहर सूची के रूप में बताया जाता है। अजंता की गुफा, बाघ की गुफा तथा अजंता की गुफा, बाघ की गुफा तथा अजंता की गुफा, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में रखा गया, 1983 ईस्वी अर्थात एडी में रखा गया, ठीक है। अब इसमें अजंता की गुफा अजंता की गुफा, इनकी संख्या 29 है, जिनमें से 16, 17 और 19 का संबंध गुप्त काल से है, 16, 17 तथा 19 का संबंध गुप्त काल से है, गुप्त काल से है, ठीक है। यानी कि अगर इनसे हम संबंध की बात करते हैं, तो गुप्त काल का संबंध 16, 17 तथा 19 से गुप्त काल के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तथा यह अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से
संबंधित हैं, यानी कि बौद्धिस्टों की जानकारी इस गुफा से काफी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, इसके आगे है, अगर हम गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण की बात करते हैं, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण की मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो वह है सारनाथ की मूर्तियां। कैसी मूर्तियां? सारनाथ की मूर्तियां, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ही चित्रकला के रूप में इनको पूरी तरह से जाना जाता है। ठीक है, इस समय गुप्त काल के समय में साहित्य कला तथा चित्रकला का पूर्ण विकास बहुत तेजी से हुआ था। ठीक है, तो ये है मूर्तिकला तथा चित्रकला के प्रमुख उदाहरण, जिनके बारे में गुप्त काल के कालखंड से यह जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके रचयिता। महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा उनके रचयिता के बारे में हम फिर जानकारी कर लेते हैं, तब तक आप सभी इन सबको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दिया जाए, इसके आगे फिर हम बात करते हैं। पहली जो पुस्तक है उसका नाम है ऋतु संहार। दूसरी मेघदूत रघुवंशम। तीसरा है रघुवंशम। इन तीनों पुस्तकों के रचयिता कालिदास है। कौन है? कालिदास इन सबके रचयिता है। कुमार संभव मालविका मित्रम। चौथा है कुमार संभव। पांचवा मालविकाग्नि मित्रम। इन दोनों के भी रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास है। ठीक है, उसके बाद अगला है
विक्रमोवर्षीयम। अगली जो पुस्तक है वह है विक्रमोवर्षीयम। उसके बाद अगला है अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमोवर्षीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। छठवां जो है विक्रमोवर्षीयम तथा अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी दोनों किसकी रचना है? कालिदास की। ये दोनों भी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, ठीक है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक। विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक मुद्रा राक्षस, ठीक है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो कि एक नाटक है, जो कि एक क्या है? नाटक है। मृच्छकटिकम जो कि एक क्या है? नाटक है। जो कि एक क्या है? नाटक है, ठीक है। अगला जो है वह है चारुदत्तम। अगला जो है उसका नाम है चारुदत्तम। इसके लेखक है भास। इसके लेखक कौन है? भास, ठीक है। उसके बाद अगला है दस कुमार चरित। ये जो है ये दंडी की लिखी हुई रचना है। दंडी की लिखी हुई रचना है चरक संहिता। अगली जो पुस्तक है वह है चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता चरक ने लिखी है। यह आयुर्वेद से संबंधित है। यह आयुर्वेद से संबंधित है। किसे संबंधित है? आयुर्वेद से। अगली पुस्तक जो है वह है रत्नावली नाटक, जो कि हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है। रत्नावली जो कि ये क्या है? नाटक है। इसके लेखक हर्षवर्धन की उपन्यास लिखी गई है। हर्षवर्धन, ठीक है। अगला जो है वह है पंच सिद्धांतिका। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका यह पुस्तक बाराह मिहिर की लिखी हुई पुस्तक है। बाराह मिहिर की लिखी गई पुस्तक यह है, ठीक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की लिखी हुई पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक है। आर्यभट्ट की लिखी हुई पुस्तक है।
तो यह महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि गुप्त काल में लिखी गई, ठीक है। इन सारे के सारे पुस्तकों के बारे में सारी जानकारी आज हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके आगे जो है अगले जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वह है कुछ विविध उनके बारे में जानकारियाँ। उसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल यानी कि हर्षवर्धन, इसको हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।